अपने तन दी खबर नहीं सजन दी खबर लवे कौन। अपने तन दी खबर नहीं सजन दी खबर लवे कौन। ना मैं खाकी ना मैं आतिश ना पानी ना पौन। हस खुले ने तेरिया यादां ने आ मिल सजना फरियादां ने। हस खुले ने तेरिया यादां ने आ मिल सजना फरियादां ने। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शमशा अवान और मैं हूं मोहम्मद फाइक। इस दुआ के साथ कि खुदा अपनी रहमत बेपाया से आपका दामने उम्मीद भर दे और इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। पंजाब पुलिस में बहुत सारी ऐसी फोर्सेज हैं जो इंटीग्रेटेड होकर काम कर रही हैं, जैसे एलीट फोर्स है, इसी तरह एंटी राइट फोर्स है और सिटीडी है, बहुत सारी फोर्सेज है जो मिलकर काम करती हैं। लेकिन रिमशा, आज आपका मैं एक इम्तिहान फिर से लेने वाला हूँ। एक ऐसी फोर्स है, ये कैसे इम्तिहान है जो रोज होते हैं, देख लें फिर रिमशा होना पड़ता है, कभी कभी आपको इन इम्तिहान से गुजरना भी पड़ता है। एक ऐसी फोर्स है कि जब भी कभी किसी को जरूरत पड़ती है या फिर फर्स्ट रिस्पोंडेंट के तौर पे वो काम करते हैं या फिर जब कभी आप 15 पे कॉल करते हैं तो वो सबसे पहले पहुंच जाते हैं और अगर आपको कोई मदद दरकार है तो वो आपको मदद फराहम करते हैं। रिमशा, वो कौन सी फोर्स हो सकती है? नहीं नहीं, नहीं मुझे याद है, मुझे पता है, कम मुझे खाया पता है ना, ज़ेन थोड़ा खुलता है इंसान का। फाइक, मुझे पता है वो कौन सी फोर्स है। बताएं फिर। वो डॉल्फिन फोर्स। हाँ, यस, डॉल्फिन फोर्स है जी, बिल्कुल जनाब। जब कभी आप 15 पे कॉल करते हैं या फिर स्ट्रीट क्राइम की बात आती है तो डॉल्फिन फोर्स सबसे पहले वहाँ पर पहुँच कर आपको मदद फराहम करती है। सो आज हमारे प्रोग्राम में डॉल्फिन फोर्स से एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो कि क्रिमिनल्स को पकड़ते तो हैं लेकिन साथ में उनमें एक बहुत अच्छा टैलेंट है, वो ये कि वो सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी। और आज हमने अपने प्रोग्राम में उनको मधु किया है और देखते हैं कि उनकी लाइफ कैसी है और वो सिंगिंग तो करते ही हैं, उनसे आज गाने भी सुनेंगे यकीनन। और उसके साथ साथ वो क्रिमिनलिटी को कैसे हैंडल है, कैसे हैंडल करते हैं जी, उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। तसीफ हैदर मर्शा मौजूद है। तसीफ, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा तकरीबन यही होता है कि आपने सिंगिंग का आगाज किस तरह से किया और पंजाब पुलिस में आपने इसको किस तरह से स्टार्ट किया? जी, स्टार्टिंग में 11 से 12 साल की उम्र में मैंने अपनी सिंगिंग का आगाज किया था। उसके बाद जब पंजाब पुलिस को ज्वाइन किया, जब पंजाब पुलिस को ज्वाइन करने के बाद मैंने एक प्लेटफॉर्म पर जो कि किला गुजर सिंह लाइन में मुनक़द किया गया था, वीर सिपाही साहब ने उसका ओवरऑल सारा जितने भी पंजाब पुलिस के नौजवान है या फिर जो भी टैलेंट मौजूद होता है वो वहाँ पर आकर परफॉर्म करते हैं, सब परफॉर्म करते हैं, अपनी अपनी जितनी भी सलाहियतें हैं उनका मुजाहरा करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ज्यादातर जितने भी सूफी प्रोसीजर जितना भी था उसमें हम लोगों ने उसको ऐड किया और ऐड करने के बाद प्लेटफॉर्म जो हमें मिला पंजाब पुलिस की तरफ से उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए और अपने अफसरान बाला की इन काबिशों की वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म पर भी बैठे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप ये मुझे बताएं कि इसका आगाज़ आपने बचपन से किया था या पंजाब पुलिस में जब आप यहाँ पे अपॉइंट हुए उसके बाद से फिर आपने शुरू किया ये सब? जी, बचपन से शौक था और अच्छा। उसकी प्रैक्टिस भी करता था, रियाज भी करता था, बचपन से ही 11-12 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था। लेकिन जब पंजाब पुलिस में आया तो अफसरान जितने भी थे उन्होंने, ऑफिसर्स ने सुना, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, अप्रिशिएट किया और उनकी कोशिश थी कि ये जो टैलेंट है ये आगे जाए। अच्छा, तसीफ तो रोज रियाज करते हैं सुबह उठ के, ये रोज आपके रूटीन में शामिल है या? जी, रियाज कोई भी काम आप कर लें उसमें आपकी जितनी भी एफर्ट है वो ज़रूरी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप जिस तरह वो कहते हैं कि जी जितना गुड़ डालते हैं उतना ही मीठा होता है,
तो यही हिसाब इसका है, आप जितना रियाज करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना ही अबूर हासिल होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो सिर्फ अब मेरे ख्याल में इनसे गाना सुन लिया जाए, क्योंकि फेवरेट सिंगर कौन है और आज आप गाना किसका सुनेंगे? जी बेसिकली सर फहरिस्तों नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, जिनकी हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और गायकी की दुनिया के बादशाह हैं। बिल्कुल जी। तो उनके बाद अगर मैं किसी को पसंद करता तो वो सज्जाद अली साहब हैं। अच्छा, सज्जाद अली क्योंकि एक क्लासिकल सिंगर भी बहुत हैं, तो उनका आपको एक सॉन्ग जो है ना वो सुनाता हूँ। हद से खुले ने तेरियां यादाने आ मिल सजना फरियादाने, हद से खुले ने तेरियां यादाने आ मिल सजना फरियादाने, मेरे दिल दा सोना तक वेड़ा दर्दानू ठिकाना लब्या तू न विछड़ के मिलियो चन सजना असा सारा जमाना लब्या तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लब्या तू न विछड़ के मिलियो चन सजना असा सारा जमाना लब्या तस्वीर। बहुत अच्छा गाया, यकीन कीजिए निशा की कैफियत तारी हो गई, कैफियत तारी हो गई थी और मैं एंजॉय कर रहा था। आई रियली एंजॉय दिस सॉन्ग, थैंक यू। और तो सिर्फ अब आपके पहले तो जैसे ये पूछते हैं कि ये जो आवाज में दर्द होता है ना बहुत ज्यादा, हाँ, और गहराई होती है, हाँ, ये बड़ी चोट के बाद कोई होता है, हाँ, इसके पीछे ना बड़ा इकरार होता है, बड़ी चोट लगती है बंदे को, फिर इतनी दर्द होती है, फिर इतनी वो गहराई होती है। आपको भी कोई चोट ऐसी मिली? बचपन में तो काफी चोटें मिली। मैं वैसी चोट की बात बिल्कुल की बात करना चाह रही है, वो दिल पे चोट लगी, जो दिल पे चोट लगी ना, उसकी चोट की बात हो रही है, जो बजाहिर नजर नहीं आती लेकिन वो दर्द दे जाती है, और इतना दर्द दे जाती है कि वो आपकी कहीं अंदर गहराई में दर्द उतर जाता है। तो वो दर्द मिला जी, बिल्कुल ऐसा हुआ है। तो निशा आपकी बात तो ठीक हो गई है, मैं समझ रहा था मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा सिंगर बनने के लिए फाइक, इसलिए अच्छा सिंगर नहीं है क्योंकि हमें इस तरह का दर्द नहीं मिला। तो जितने भी अच्छे सिंगर होते हैं ना, गहराई तक जो समझते हैं, तो उन्हें उतना ही दर्द मिला। मुझे कोई दर्द नहीं मिला लेकिन मैं फिर भी बहुत अच्छा गाता हूँ, पता है आपको। और यकीन और अब जो प्रोड्यूसर साहब है मेरे, यकीनन वो मुझे बहुत बुरा भला कह रहे होंगे इस बात पे। एनीवेज, अच्छा तो सीफ साहब, आपकी जो जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो आप पुलिस में जॉब कर रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं, और उसमें से एक सवाल आपसे करना हम चाहेंगे। डॉल्फिन जो फोर्स है इस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी आउटपुट बहुत अच्छी है, अचीवमेंट्स भी बहुत सारी हैं। आप मुझे बताएं कि फील्ड वर्क जब आप करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, ड्यूरिंग पेट्रोलिंग कोई ऐसी अचीवमेंट, कोई ऐसा क्रिमिनल आपने पकड़ा हो जो आप समझते हैं कि अब तक की आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी? जी बिल्कुल, हम ड्यूटी कर रहे थे, दौरान ड्यूटी 15 पे कॉल मशहूल हुई कि हमारा जो बच्चा है ना, वो पिछले 8 से 10 घंटे से जो है ना वो लापता है, अभी तक मिला नहीं है। अच्छा, तो हम लोगों ने बतौर जैसे हम परफॉर्म करते हैं अपनी ड्यूटी, फौरन उस तरफ मूव किया, और जब वहाँ पहुँचे तो हम लोगों को बताया गया जी कि ऐसे ऐसे ना बच्चा इतनी देर से जो है ना वो लापता है। तो हम लोगों ने उन जो हमसाए थे और जो दीगर लोग वहाँ थे, उनसे जो है ना वो पूछ की कि जी भाई क्या इंटरोगेट किया आपने सारे मामले को। तो तफ्तीश करने के बाद जब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए, वो ऐसा ही था कि जो बच्चे को अगवा किया गया था ना, वो इसलिए अगवा किया गया था कि उसके ना वालिद साहब के साथ
कोई आपस में क्लैशेस थे, ठीक है, तो उसे ज्यादा दूर नहीं लेके गए थे उसे उनके घर से, बट आपका जो फॉरन रिस्पांस था उसकी वजह से आपने उसको बाजियाब करवा लिया। सबसे ज्यादा मुश्किल जो मेरे ख्याल में आपकी जॉब का हिस्सा है वो है डीलिंग, पब्लिक डीलिंग जो होती है वो बहुत मुश्किल एक चीज़ होती है। कभी ये जो है थे, कभी फील नहीं हुआ कि ये बड़ी मुश्किल फोर्स में आ गए हैं, हर वक्त जो सड़कों पे ही रहते हैं, अपने लिए टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, कभी डिससेटिस्फेक्शन हो गई, मोराल आपका डाउन हुआ ये सब नहीं के? अल्हम्दुलिल्लाह मोराल इसलिए डाउन नहीं हुआ क्योंकि हम आप से हैं, इस आवाम से हैं, ये आवाम हमसे है, राइट, बहुत अच्छी बात। तो इसलिए कभी बात करने में या पुलिस की इस फील्ड में हम लोगों को इसलिए ज़्यादा फील नहीं हुआ क्योंकि हम लोग अपनों से बात कर रहे हैं, अपने हमारे से बात कर रहे हैं, जज्बा है आवाम की खिदमत का, और कभी आपको हेजिटेशन फील नहीं, कभी नहीं हुआ, और हमेशा कोशिश की है कि जो है हम जितने भी मजबूर हैं, जितने भी परेशान हैं, उनकी मुश्किल को आसान करें, उनकी मुश्किल को हल करें, ताकि क्योंकि अब आपको पता है जैसा कि क्योंकि डॉल्फिन का वर्ड जो है, डॉल्फिन जो अगर हम बात करते हैं फिश की, वो भी वो जरा फ्रेंडली होती है, तो आप भी लोगों के साथ जरा फ्रेंडली होते हैं, फ्रेंडली रहते हैं लोगों के साथ, क्योंकि आगे हमारी आवाम जो है वो इतनी परेशान रहती है, बिल्कुल ठीक है, अगर हम उन्हें परेशान करें या उनको कोई तकलीफ दें तो फिर हम लोगों का जो है ना वो इस फोर्स में रहने का कोई खासा मतलब नहीं है, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि हम जितना भी आवाम के साथ बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें, उनके साथ अच्छी जो है ना वो हमारी एक्टिविटीज़ हों, और ताकि आवाम जो है ना वो हमारे बारे में अप्रिशिएट कर सकें। बिल्कुल, डॉल्फिन बनाने का एक्चुअली मकसद ही ये था कि एक तो रिस्पांस टाइम को कम किया जाए, क्योंकि बाज़ूकात ऐसी तंग गलियां होती थी, ऐसी तंग जगह, स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा थे, और बाज़ ऐसी रोड टूटी हुई होती थी, मिट्टी की जगह होती थी जहाँ पर जो है हमारी गाड़ी नहीं पहुँच सकती थी, बहुत देर हो जाती थी, तो वहाँ पे बाइक इजी से चली जाती थी, और जो रिस्पांस टाइम है अब काफी बेहतर हुआ है। हम लोगों ने 3 से 5 मिनट में रिस्पांस करना होता है, करना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 मिनट से पहले ही रिस्पांस कर देते हैं, ठीक है, तो ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि मालिक ने जो हम लोगों को इस काम के लिए चुना है, और आज इस फील्ड की वजह से, अपने इस पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, और मैं अपने तमाम ऑफिसर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे प्रमोट किया, जिन्होंने मुझे इस सपोर्ट किया। ठीक ठीक, चलें तो सिर्फ अब जो आपका नेक्स्ट हम गाना सुनना चाहेंगे, क्योंकि इनसे जो गाने वो ज्यादा सुनने चाहिए, बातें कम करनी चाहिए, तो सिर्फ हमें नेक्स्ट क्या सुना रहे हैं आप? जी क्यूबी का एक सॉन्ग है, कुरतुल नैन। अच्छा, कुरतुल नैन, ओके। अपने तन दी खबर नहीं सजन दी खबर लवे को, अपने तन दी खबर नहीं सजन दी खबर लवे कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश ना पानी ना पौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश ना पानी ना पौन, वे बुले आसाया वे बुले आसाया, मैं घुट घुट रोया वे बुले आसाया, मैं गुट गुट रोया, जीवें आटे विच लोण, जीवें आटे विच लोण, अपने तन दी खबर नहीं सजन दी खबर लवे कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश ना पानी ना पौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश ना पानी ना पौन, अस नाजुक दिल दे लोक हाँ साडा दिल ना यार दुखाया करे, अस नाजुक दिल दे लोक हाँ साडा दिल ना यार दुखाया कर, ना झूठे वादे करया करना झूठियाँ कसमां खाया कर, ना झूठे वादे करया करना झूठियाँ कसमां खाया करे, तेनू किन्नी वारी आखिया सानू वल वल नाज माया कर, तेरे प्यार दे विच मैं मर जा सा सानू इना याद ना आया कर, ओ अपने तन दी खबर नहीं सजन दी खबर लवे कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश
ना पानी ना पोन ओए अपने तन दी खबर नहीं। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया, बहुत शुक्रिया तो सिर्फ आपका, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। अच्छे जो आपने गाने सुने उसके भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बार बार हम आपको बुलाते रहेंगे और हम आपसे मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ हम आपसे भी ये कहते हैं, उम्मीद है कि आपको जो तौसीफ़ के गाने हैं और जो टैलेंट है वो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप भी पुलिस के नौजवान हैं और आप में भी कोई टैलेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम आपको ज़रूर इंशाल्लाह अपने शो में इनवाइट करेंगे। पेज तो बता दीजिए जिस पे बता सकते हैं। जी, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी, ऑब्वियसली पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी, और इसके साथ ही साथ हमारा यूट्यूब का चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ हमें दीजिए इजाज़त। सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।